हाय स्टूडेंट्स, इसका पहला वाला जो वीडियो था हमारा, जिसमें हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को शुरुआत की थी, और उस टॉपिक में हमने पर्टिकुलरली डिसीजेस क्या होते हैं, हेल्थ क्या होते हैं, इसके बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम जो सेकंड पॉइंट उसमें से बाकी था, दैट इज़ एक्वायर्ड डिसीजेस, उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, तो हेल्थ और डिसीज इसका कंसेप्ट देखा, और टाइप्स ऑफ डिसीजेस में हमने कॉन्जेनिटल डिसीजेस क्या होते हैं इसके बारे में लास्ट टॉपिक में देखा था। ओके, तो देखो, हमने बोला था कि कॉन्जेनिटल डिसीज मतलब एक ऐसे टाइप के डिसीज जो सिंस फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होते हैं, और जो तीन मेन रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिसमें हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया, ये पर्टिकुलरली जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इसमें क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से कुछ होते हैं, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जैसे डिसीजेस देखे, और तीसरा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ क्लियर की थी कि कॉन्जेनिटल डिसीज जो होते हैं उसमें पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो होते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होती। इसका मतलब ये डिसीजेस नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होती। जिस इंडिविजुअल को होते हैं वो उसी जनरेशन में रहते हैं आफ्टर, जिसको हम बोलेंगे कि उसकी डेथ, उसकी नेक्स्ट आने वाली जो प्रोजेनी रहेंगी उसमें ये डिसीजेस जनरली नहीं देखने को मिलते। ओके, तो चलो हम सेकेंड पॉइंट का शुरू करेंगे, दैट इज एक्वायर्ड डिसीजेस। सो व्हाट इज द एक्वायर्ड डिसीजेस? द डिसीजेस विच आर डेवलप्ड और गेन बाय इंडिविजुअल आफ्टर द बर्थ। एक्चुअली ये जो एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं, दीज एक्वायर्ड डिसीजेस आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसको हम बोलते हैं पैथोजेंस, इनकी वजह से होते हैं, और दे मे बी बिकॉज ऑफ सम नॉन बायोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ डेफिशिएंसी की वजह से भी ये बॉडी में हो सकते हैं। सो दे मे बी बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल एज वेल एज नॉन बायोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि पैथोजन या तो अदर देन द पैथोजन, जिसमें हम पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, नाउ ये जो एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं, ये एक्वायर्ड डिसीजेस मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक आता है कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरी कैटेगरी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो एक्वायर्ड डिसीजेस में कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं, दे आर मेनली बिकॉज ऑफ और दे आर मेनली कॉज बाय पैथोजेंस। सो कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीजेस कि जो पैथोजन से कॉज किए जाते हैं एंड कैन बी स्प्रेड इन कम्युनिटी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो किसी डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर इनहेरिट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, और इनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो कॉन्टेजियस हो सकते हैं या तो वो नॉन कॉन्टेजियस हो सकते हैं। मतलब कैसे? ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज कि जो पैथोजन द्वारा तो होता है बट कैन बी स्प्रेड थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, तो ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू जो स्प्रेड होते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिसीज। जैसे कि कोरोना डिसीज, ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ही स्प्रेड होता है। अगर हम किसी कोरोना पेशेंट के या कोविड-19 का जो पेशेंट है, इसके कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं, तो उसका इन्फेक्शन डायरेक्टली हमारे बॉडी में इनहेरिट हो सकता है, सॉरी ट्रांसफर हो सकता है, या हमको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कोरोना डिसीज जैसा, कोविड-19 जैसा जो इन्फेक्शन है, ये कॉन्टेजियस डिसीज में आता है। सेकेंडली, हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर हमारा कॉन्टैक्ट आता है, तो उसके फ्लूइड थ्रू या उसके अदर कुछ मटेरियल्स थ्रू स्वास्थ्य थ्रू जल्दी ये इनहेरिट मतलब हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, एड्स है, जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, जिसको हम STDs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, तो ये सब जो है ये जनरली कॉन्टेजियस होते हैं।
आंखें आती हैं, जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्जक्टिविटीज, दैट इज आई इन्फेक्शन, ये जो कॉन्जक्टिविटीज होता है ये भी कॉन्टेजियस होता है। सो ऐसे डिसीज की जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्प्रेड होते हैं पैथोजन्स द्वारा, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। दूसरा प्रकार है उसमें नॉन कॉन्टेजियस। मतलब क्या, देखो ये जो नॉन कॉन्टेजियस डिसीज होते हैं ये भी पैथोजन्स द्वारा ही स्प्रेड किए जाते हैं, बट आर नॉट डायरेक्टली स्प्रेड थ्रू अ कॉन्टैक्ट। सो दिस डिसीजेस नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक्चुअली दे स्प्रेड इनडायरेक्टली थ्रू अ वेरियस एजेंट्स। जो अलग अलग प्रकार के एजेंट्स होते हैं इनके द्वारा ये डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। देखो कैसे, ये जो नॉन कॉन्टेजियस डिसीज होते हैं दे में स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड मिल्क, दे में स्प्रेड थ्रू फोमाइट्स, दे में स्प्रेड थ्रू अदर वेक्टर्स। सो ऐसे कंटामिनेटेड वाटर द्वारा, कंटामिनेटेड फूड द्वारा, कंटामिनेटेड एयर द्वारा, फोमाइट्स द्वारा, मिल्क द्वारा, वेक्टर्स द्वारा जनरली ये स्प्रेड होते हैं। दोस्तों फोमाइट्स क्या होता है, देखो अभी पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है जिसको हम कोरोना इन्फेक्शन बोलते हैं, इसमें बोला जाता है आपको जो प्रिकॉशंस बोली जाती है उसमें जनरली ऐसे बोला जाता है कि आप किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ। जनरली आपके जो कंटामिनेटेड हाथ होते हैं वो आपके आँखों को, मुंह को, नेजल पैसेजेस को मत टच करो बार बार, क्योंकि उसके थ्रू इन्फेक्शन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम छूते हैं, जिस चीज़ को हम टच करते हैं, अगर उसके ऊपर वो वायरस रहा तो चांसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में जा सकता है। इसका मतलब हर कोई वो सरफेस, हर कोई वो चीज़ जिसको आप छूते हो और उसके थ्रू इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, तो ऐसे हर एक मटेरियल को, हर एक चीज़ को हम बोलेंगे फोमाइट। फोमाइट इज़ नथिंग बट एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द डिसीज फ्रॉम, जिसको हम बोलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। ओके, सो फोमाइट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आता है। ऐसे नॉन लिविंग मटेरियल को जिसके थ्रू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है उसको जनरली बोला जाता है फोमाइट्स। ओके, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं दीज आर द एजेंट्स विच कैन स्प्रेड डिसीजेस फ्रॉम डिसीज पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। जैसे कि देखो हाउस फ्लाई, देन मॉस्किटोज, ये जो होते हैं ये एक्चुअली एक प्रकार के फैक्टर है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हाउस फ्लाई जो होती है ये बहुत सारे डिसीजेस को स्प्रेड करती है, जैसे कि टाइफाइड जैसी बीमारी जो होती है ये भी हाउस फ्लाई के थ्रू ही जनरली स्प्रेड हो सकती है। मॉस्किटो जो होते हैं मलेरिया, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये मलेरिया जैसा इन्फेक्शन हमारे बॉडी में स्प्रेड करते हैं। तो ये होते हैं फैक्टर्स, मीन्स एजेंट, कि जो डिसीज कॉजिंग एजेंट को हमारे बॉडी में लेके आते हैं, इनको जनरली बोला जाता है वेक्टर्स। वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, कुछ जिसको हम बोलेंगे कि जनरली बॉडी के ऊपर बैठ के, जैसे पैरासाइट का जो कंसेप्ट है उस तरह से बॉडी के ऊपर बैठ के जनरली बॉडी को टच करके उस पॉजिटिव एजेंट को बॉडी के ऊपर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। सो इस तरह से ये कंसेप्ट है वेक्टर्स का। तो जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, सॉरी नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है, वो नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस इनडायरेक्टली इस तरह से स्प्रेड होते हैं। ओके, सो अब सवाल ये है कि सर ऐसे कौन से नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस है। मलेरिया, आपको पता होगा कि मलेरिया के पेशेंट के साथ अगर हमारा कांटेक्ट आता है तो वो डिसीज स्प्रेड नहीं होता जब तक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो उसका ब्लड सक करके आपके बॉडी में उसको इंजेक्ट नहीं करती, तब तक ये डिसीज स्प्रेड नहीं होता। सो इट इज़ नॉट जनरली कॉज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस जिसको हम बोलते हैं हत्ती रोग, ये जो होता है ये भी ऐसे स्प्रेड होता है। एस्केरिस लुब्रिकॉइड का जो इन्फेक्शन होता है एस्केरियासिस, ये भी ऐसे होता है।
टाइफाइड जो है, टाइफाइड की बीमारी भी ऐसी होती है जो जनरली नॉन कॉन्टेजियस कैटेगरी में जाती है और हमारे बॉडी में ऐसे स्प्रेड होते हैं। इसके अलावा टाइफाइड होता है, टाइफाइड और भी कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अमीबियासिस वगैरह जो है, अगर किसी को रही तो हमारे बॉडी के साथ उसका कॉन्टैक्ट आया तो डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होती। ओके, सो इन सबको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम डिवाइड करते हैं डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डेफिशिएंसी डिसीजेस, डीजनरेटिव डिसीजेस और एलर्जिक डिसीजेस। बट सवाल ये है कि व्हाट इज मीन बाय दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। The diseases which are caused by other than pathogens, the diseases which are caused by other than the pathogens, it means the diseases which are mainly due to the deficiency or some other cause। ऐसी बीमारियाँ जो डेफिशिएंसी की वजह से होती है या कुछ अदर रीजंस की वजह से होती है, ऐसे डिसीजेस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, सो इनको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज भी बोला जाता है। देखो ये जो डाइटरी डेफिशिएंसी डिसीज है, दिस आर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ some nutrients from the diet, so these are because of deficiency of some nutrients through the diet। इससे जो बीमारियाँ होती है उसको डाइटरी डेफिशियंसी डिसीजेस बोलते हैं। देखो ये जो डाइटरी डेफिशियंसी डिसीज होते हैं, इसमें प्रोटीन डेफिशियंसी डिसऑर्डर, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की कमी आती है तो इससे क्वाशियॉर्कर और मैरास्मस जैसी बीमारियाँ बॉडी में होती है। जनरली बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मैरास्मस, क्वाशियॉर्कर जैसी बीमारियाँ कॉमनली देखने को मिलती है। आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन की हमारे बॉडी में कमी आती है तो इस आयरन की कमी की वजह से एनीमिया जैसी बीमारी बॉडी में होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी आती है तो घेंगा, जो क्वाइटर हम बोलते हैं, ये क्वाइटर जैसी बीमारियाँ इससे होती है। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में आती है तो ऑस्टियोफोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस ऐसी जो बीमारियाँ होती है वो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी इससे होती है। बोन्स की या दांतों की जो हम बोलते हैं ऑस्टियोफोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हमें पता है कि पर्टिकुलर विटामिन की अगर कमी आती है तो पर्टिकुलर डिसीज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली अगर विटामिन ए की कमी आती है तो इस विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या हम बोल सकते हैं जीरो डर्मा या नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विटामिन बी की कमी की वजह से, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी जो होते हैं, इनकी कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। अगर विटामिन सी की हम बात करें तो विटामिन सी से स्कर्वी ये बीमारी होती है। विटामिन बी से बहुत सारे बेरी है, पेलाग्रा वगैरह वगैरह में पर्टिकुलर जो विटामिन होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो पर्टिकुलर बीमारी होती है, मतलब जिसकी डेफिशिएंसी है कि बी कॉम्प्लेक्स में से अकॉर्डिंग टू दैट। सो विटामिन बी से बेरी है, पेलाग्रा वगैरह वगैरह, विटामिन सी से स्कर्वी जो है, स्कर्वी ये बीमारी होती है। विटामिन डी जो होती है, इस डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, आपके जो बोन्स होते हैं ये बोन्स वीक होते हैं, उसमें डिफॉर्मिटीज आती है। विटामिन ई जो होता है, इस विटामिन ई की वजह से स्टरिलिटी आ सकती है, मतलब इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो विटामिन ई की वजह से आते हैं। आप अगर विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के की कमी की वजह से जो क्लॉटिंग होता है वो डिले हो सकता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स जनरली इस विटामिन डेफिशिएंसी से बॉडी में देखने को मिलते हैं।
ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, हार्मोनल डेफिशिएंसी डिसीजेस. हार्मोनल डेफिशिएंसी डिसीज ये ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स की कमी से जनरली होते हैं. जैसे कि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच की अगर कमी आती है तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म नाम की जो बीमारी है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, हा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म नावाचा आजार याच्यामध्ये होतो, ज्याच्यामध्ये हाइट वाढत नाही, स्टंटेड ग्रोथ जो हम बोलते हैं. थायरॉक्सिन की अगर कमी आती है तो बच्चों में क्रिटिनिज्म और बड़ों में मिक्सोडीमा नाम का जो डिसीज होता है ये थायरॉक्सिन की कमी से आता है. एल्डोस्टेरोन की अगर कमी आती है तो उससे एडिसन्स डिसीज होता है. गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं इनसे स्टरिलिटी आ सकती है. आप इंसुलिन का भी एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी आती है तो डायबिटीज मिलिटस जो होता है, डायबिटीज मिलिटस इससे होता है. अगर हम एडीएच की कमी को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच डायबिटीज इंसिपिडस नाम की जो बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस इससे होता है. सो ऐसे बहुत सारा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है कि जो आपके बॉडी में किसी पर्टिकुलर हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड वन, डीजनरेटिव डिसीजेस. ये जो डीजनरेटिव डिसीज होते हैं ये एज रिलेटेड होते हैं. जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स डीजनरेट होना शुरू करते हैं, तो इनकी वजह से जो होते हैं उसको बोला जाता है डीजनरेटिव डिसीजेस. ओके, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, कैड है, ये जो बीमारियाँ एंजिना पेक्टोरिस है, ये बीमारियाँ एज रिलेटेड है और इसलिए इनको डीजनरेटिव डिसीजेस बोला जाता है. ओके, कौन से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में आप बोल सकते हो एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, देन कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये सब बीमारियाँ डीजनरेटिव कैटेगरी में जाती है. आपने मोती बिंदु सुना होगा, कैटरैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये कैटरैक्ट की बीमारी भी एज रिलेटेड होती है. पैरालिटिक अटैक पैरालिसिस, ये भी एज रिलेटेड है. आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है, तो ये जो बीमारी है ये भी एज रिलेटेड है, डीजनरेटिव डिसीज है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं जो हम डीजनरेटिव कैटेगरी में ले सकते हैं. नेक्स्ट है एलर्जिक डिसीज. ये जो एलर्जिक डिसीज है ये भी जनरली नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी वाले ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को एलर्जी और उसके साथ अगर आपका कांटेक्ट आता है तो उससे ये स्प्रेड नहीं होते, या किसी पैथोजन द्वारा जनरली ये कॉज नहीं किए जाते. जैसे कि ड्राई कफ जो एलर्जन्स द्वारा होते हैं, एलर्जी डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ एलर्जन्स. सो जो एलर्जन्स होते हैं ये एलर्जन्स एलर्जिक डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं, जैसे कि ड्राई कफ है, अस्थमा है, हे फीवर डिसीज है. ओके, ये सब एलर्जिक डिसीज है जो पोलन्स की वजह से या डस्ट पार्टिकल की वजह से हमें हो सकते हैं. इसके अलावा ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसमें हम कैंसर को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन से नहीं होती. एक्चुअली हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे, वायरसेस ऐसे जो कैंसर कॉज करती है, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, सो कैंसर जैसी बीमारियों को भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. कुछ एक्सेप्शंस है बट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ये जो डिसीजेस होते हैं कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल, इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम डिसीजेस से रिलेटेड जनरली सुनते हैं. जैसे कि एक तनापन एक तो साथीचे रोग, सद्या जो आजार जगामध्ये पसरलेला आहे,
याला कुठल्या कॅटेगरीमध्ये टाकायचं, त्याला साथीचा रोग म्हणायचं का त्याला आणखी कुठल्या वेगळ्या कॅटेगरीत टाकायचं, तर अशा खूप साऱ्या टर्मिनॉलॉजी असतात ज्या आपण डिसीजशी रिलेटेड ऐकत असतो. तर देखो इसमें कौन से ऐसी टर्मिनॉलॉजी है जो अदर देन दी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल होती है. एपिडेमिक डिसीजेस, दूसरी टर्म हम सुनते हैं एंडेमिक डिसीजेस, देन पैंडेमिक डिसीजेस एंड द फोर्थ वन स्पोरॉइडिक डिसीजेस, स्पोरॉइडिक डिसीज. ओके ऐसे. सो व्हाट इज माय एपिडेमिक डिसीज, द डिसीज विच जनरली स्प्रेड इन अ कम्युनिटी ऑन अ लार्ज स्केल. मीन्स किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक सोसाइटी में एक बड़ा मास जो होता है उसमें जो बीमारियां स्प्रेड होती है, जो फैलती है, ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं एपिडेमिक डिसीज. मतलब मराठी में साथी के आजार से मटले जाते हैं. मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो बीमारी आती है तो जनरली इट्स स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू दी अनदर इंडिविजुअल. तो ऐसी जो बीमारियाँ होती है इसको बोलते हैं हम एपिडेमिक डिसीज. जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, सॉरी कॉलरा, ये जो है इनको एपिडेमिक डिसीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं ऑन लार्ज स्केल और ऑन लार्ज मास. एंडेमिक डिसीज, एक्चुअली एंडेमिक डिसीज क्या होती है, तो एंडेमिक डिसीज मतलब ऐसी बीमारी कि जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही आपको देखने को मिलती है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही आपको देखने को मिलती है, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज. मीन्स एक ऐसा डिसीज जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है, जो एक पर्टिकुलर जिसको हम बोलेंगे कि बाउंड्री के अंदर होता है, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज. द डिसीज विच फाउंड इन पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया. ओके, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर जो बीमारियां मिलती है उसको बोला जाता है जनरली एंडेमिक डिसीज. जैसे कि लेप्रोसी है, देन आप उसमें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डाल सकते हैं. लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी, देन आप गॉइटर, पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर ये मिलते हैं, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं. जैसे कि गॉइटर जो है कॉमन हिली एरिया में, जो हिली एरिया में लोग मिलते हैं इनमें ही गॉइटर देखने को मिलता है. सो इट इज़ अ एंडेमिक डिसीज. पैंडेमिक डिसीज, द डिसीज विच कैन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स द डिसीज विच कैन स्प्रेड ओवर द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. मीन्स ऐसी बीमारियाँ जो वर्ल्ड वाइड होती है, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जाती है, ऐसी बीमारियों को बोला जाता है पैंडेमिक डिसीज. पैंडेमिक डिसीज बेसिकली इपिडेमिक होते हैं, बट ऐसी इपिडेमिक बीमारियाँ जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके स्प्रेड होती है वर्ल्ड वाइड, उस बीमारी को हम बोलते हैं पैंडेमिक डिसीज. जैसे कि एड्स है, ये पैंडेमिक कैटेगरी है. अभी जो करोना है, इस करोना को भी हम करोना डिसीज जिसको हम बोलेंगे कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है, ये भी एक्चुअली पैंडेमिक कैटेगरी में ही है क्योंकि इनिशियली वो तो एपिडेमिक थे, बट धीरे 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 जियोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करके आज पूरी दुनिया में ये डिसीज फैल गया है, इसीलिए हम इसको पैंडेमिक डिसीज की कैटेगरी में डालते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन स्पोरॉइडिक डिसीज. नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोरॉइडिक. स्पोरॉइडिक किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा डिसीज जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही देखने को मिलता है. द डिसीज विच फाउंड इन वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही जो देखने को मिलता है उसको बोला जाता है जनरली स्पोरॉइडिक डिसीज. जैसे कि टिटैनस,
देखो इसमें जो पर्टिकुलरली वाटरबॉर्न डिसीजेस होते हैं, ये वाटरबॉर्न डिसीजेस एपिडेमिक डिसीजेस होते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द वाटरबॉर्न डिसीजेस आर एपिडेमिक एंड मोस्ट ऑफ द ब्लडबॉर्न डिसीजेस आर पैंडेमिक। ओके, तो ऐसे चार कैटेगरी है, एपिडेमिक जो लार्ज स्केल में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं जिसका मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं हम एपिडेमिक डिसीज। पैंडेमिक, सॉरी एंडेमिक डिसीज, एक ऐसा डिसीज जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट पर्टिकुलरली कम होता है, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज। नेक्स्ट है पैंडेमिक डिसीज, एक ऐसा एपिडेमिक डिसीज जो जियोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करके वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। और स्पोराइडिक, जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स में ही ऑब्जर्व होते हैं, ऐसे बीमारियों को बोलते हैं स्पोराइडिक डिसीजेस। ओके, देखो दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली बैक्टीरियल, वायरल, देन फंगल, देन प्रोटोजोनल, देन हेलमेंटिक, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिसीज पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम जो इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी है उसमें और एक क्लासिफिकेशन अलग से डाल सकते हैं, जैसे कि ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं उसकी कैटेगरी, वायरस द्वारा होते हैं उसकी दूसरी कैटेगरी, प्रोटोजोन द्वारा होते हैं उसकी तीसरी कैटेगरी, इस तरह से भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक डिसीज लेके उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।